पूरे चैप्टर पूरे, इसको प्लीज बंद कर दो ना, थैंक यू। ये लॉ ऑफ टॉट्स का सबसे बड़ा केस है, मतलब ओहो खतरनाक। ठीक है, ध्यान से सुनना। बेसिकली एक पर्सन है, उसका नाम है राइलैंड। ठीक है, इस पर्सन की मिल्स हैं, मिल समझते हो, मिल्स। ठीक है, राइट, तो उसकी मिल्स हैं, वो उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऑफकोर्स क्या चाहिए, पानी। ठीक है, तो पानी के लिए उसने सोचा, यार पानी भी ऐसा नहीं कि बारिश आती जाएगी तो मिल चलाते जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी के लिए उसको स्टोर्ड वाटर, मतलब मिल चलाने के लिए उसको स्टोर्ड वाटर चाहिए, और स्टोर्ड वाटर आपको रिजर्वॉयर में मिलेगा, करेक्ट है। तो उसने क्या किया, एक रिजर्वॉयर बनाने की कोशिश की। अरे खतरनाक बन गया, रिजर्वॉयर बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब रिजर्वॉयर वो खुद तो नहीं बना सकता, उसको तो मिल चलाना आता है, तो उसने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा। ठीक है, ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा और बोला कि यार मेरी एक जमीन है, ये जमीन किसकी है, राइलैंड की। ठीक है, मेरी मतलब राइलैंड की। ठीक है, तो मेरी एक जमीन है, उस पर तुम्हें क्या बनाना है, रिजर्वॉयर। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा, ठीक है मैं बना दूंगा, जहां पर पैसा मिल रहा है वहां पर क्यों नहीं। ठीक है, अब देखो, एक इमेजिन करो, रिजर्वॉयर आपका करीब करीब ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इस रिजर्वॉयर के, इसमें पानी है, ठीक है, रिजर्वॉयर के नीचे इस तरह के कोल शाफ्ट्स बने थे। ठीक है, कोल शाफ्ट्स, कोल शाफ्ट्स क्या होता है, जहां पर कोल की खुदाई होती है। ठीक है, तो ऐसे कोल शाफ्ट्स बने थे, और ये जो कोल शाफ्ट है वो एक दूसरे बंदे के थे जिसका नाम है फ्लेचर। क्लियर है, ठीक है। सो आप अगर थोड़ा इमेजिन करोगे तो दिस इज द रिजर्वॉयर, और उस जमीन, जिस जमीन पर रिजर्वॉयर बन रहा था उसके नीचे कोल शाफ्ट्स थे। ठीक है, राइट, सो अपन इसको, ये रिजर्वॉयर है, ये लैंड है, ठीक है, और लैंड के नीचे कोल शाफ्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये कोल शाफ्ट है, एंड दिस पर्टिकुलर शाफ्ट बिलोंग्स टू फ्लेचर। यहां तक क्लियर है, यस। अब देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्टर, इसके पास दो चॉइस थी, एक होता है लॉन्ग कट और एक होता है बहुत स्मार्ट हो शॉर्टकट। ठीक है, लॉन्ग कट बेसिकली क्या बोलता था कि ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या करेगा, सारे कोल शाफ्ट्स की ओपनिंग को बंद करेगा। ठीक है, कोल शाफ्ट्स की ओपनिंग थी, ओपनिंग कैसी थी, क्योंकि वो जमीन के नीचे थे ना, तो वो उनकी ओपनिंग थी, क्योंकि खुदाई कहीं से तो हो ही रही होगी, ऐसे थोड़ा ना कि अंडरग्राउंड ही सारी खुदाई हो रही है, अंडरग्राउंड ही पड़ा हुआ है कोल, ऐसा नहीं है। कोल को, अगर कोल की माइनिंग हो रही है तो माइनिंग होने के बाद उसको निकाल तो रहे होंगे ना कहीं से बाहर, जो जमीन के ऊपर लाने के लिए। तो ऐसे केस में या तो आप उसकी ओपनिंग बंद कर दो, अब ओपनिंग बंद करने के लिए फ्लेचर से लेना पड़ेगा परमिशन, करेक्ट है, फ्लेचर से लेना पड़ेगा परमिशन, क्योंकि कोल शाफ्ट किसके थे, माइनिंग कहाँ हो रही थी, फ्लेचर के, उसमें फ्लेचर के शाफ्ट में। तो ये हो गया लॉन्ग कट, और शॉर्टकट क्या था, अरे जाने दो अपने को क्या करना, अपने को दो पैसे कमाने हैं, तो इट इज बेटर कि अपन क्या करते हैं, एज इट इज उसी के ऊपर रिजर्वॉयर बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा मिलेगा, मैं घर जाएगा, दो रोटी खाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सो ऑफकोर्स वॉट डिड ही चूज, शॉर्टकट। शॉर्टकट में उसने क्या किया, उसने ना कोल शाफ्ट की ओपनिंग बंद की, ना उसने फ्लेचर से परमिशन ली, कुछ भी नहीं किया। यहां तक क्लियर है, यस। अब ऑफकोर्स जैसे ही उसने रिजर्वॉयर बनाया, रिजर्वॉयर का पूरा पानी किसमें आ गया, कोल में आ गया, और उसका पूरा जो शाफ्ट है वो पूरा खराब हो गया, पूरा कोल डिस्ट्रॉय हो गया। यहां तक क्लियर है, यस। अब मुझे बताओ, जब फ्लेचर इससे लड़ने गया राइलैंड से, तो राइलैंड ने बोला मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना किया, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, पूरा काम वही कर रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थर्ड पार्टी है, तो मुझे आकर क्यों बोल रहे हो। फ्लेचर ने बोला नहीं, मैं केस तो तुम पर ही करूंगा, क्योंकि एक्ट तुमने गलत किया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है,
राइलैंड या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? क्यों? उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मास्टर सर्वेंट, ओके, वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था ना। राइलैंड बोल रहा है मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मैटर है, मेरे पास अगर कॉन्ट्रैक्टर आता तो मैं बोल देता कि भाई तू उनसे परमिशन ले ले, तू शेफ बंद कर दे, तो मेरे इंटेंशन खराब नहीं थे। बताओ, तो रीजन क्या दिया तुमने? नेचुरल यूज नहीं था लैंड का, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। और आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी, ठीक है, फेयर। राइलैंड ने बोला रिजर्वॉयर चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट ने बनाया, कॉन्ट्रैक्टर अब कुछ भी करे राइलैंड की गलती है। हाँ, परमिशन लेना पड़ेगा। देखो मेरा क्वेश्चन अभी भी ये है, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, समझना। राइलैंड ने बोला कि ऐसा नीचे कोल शाफ्ट है, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था, नीचे कोल शाफ्ट है मुझे इसका आइडिया ही नहीं था, और अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव मेड श्योर दैट आई वुड हैव टेकन परमिशन फ्रॉम फ्लेचर, ओके। बट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया नहीं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद उसने किया, तो राइलैंड बोल रहा है कि आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो, है ना कॉन्ट्रैक्टर, उस पर डालो ना प्रोसिक्यूशन। अब बताओ, अरे एक एक करके बोलो ना। हाँ, प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्टर की गलती, टेक्निकली राइलैंड की गलती, बढ़िया जवाब देती लड़की। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को ही पकड़ेंगे, मन बना लिया तुमने, कन्विंस हो गए हो तुम मेरी बातों से, गिल्टी एक्ट था, गिल्टी माइंड नहीं था, ठीक है, वेरी नाइस। और कोई कुछ बोल रहा था इधर से, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया राइलैंड ने तो राइलैंड ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे। ओहो बहुत बढ़िया, तो फ्लेचर तो राइलैंड को पकड़ेगा बट राइलैंड कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगा, कि जो पैसा मैं फ्लेचर को दे रहा हूँ कॉम्पनसेशन का वो मैं कॉन्ट्रैक्टर से निकालूंगा, ऐसा वेद बोल रहे हैं, वेदांत बोल रहे हैं, ठीक है। और नहीं नहीं, क्या क्या क्या, कौन बना सकता है, कॉन्ट्रैक्टर ना, तो यही तो सवाल है कि लाइबल कौन है, फ्लेचर की गलती है कि उसको उसे शाफ क्यों बनाया। नहीं नहीं, वो तो हो सकता है ना, वो तो अलाउड है ना, आप अंडर कोल की माइनिंग तो अंडरग्राउंड ही होगी ना, तो ये तो अलाउड है ना, इसकी परमिशन तो गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है खोदने के लिए, ऐसा देखो देखो सुनो, हाँ जी, रीजन मिल गया, बताओ बताओ बताओ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइव वाली जनता भी कुछ बोल रही है क्या, एक बार इनसे हम लोग इनका जवाब सुन लेते फिर मैं फाइनल आंसर बताऊंगी। मैम अगर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी तो पेनल्टी तो हमें ही भरनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा था,
सलमान खान, इन दिस केस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वुड बी लाइबल बिकॉज दे नो बट दे डेंट डिस्क्लोज द फैक्ट टू राइलैंड. ओके, श्रुति बोल रही है उसके लैंड पर कर रहा था राइलैंड के काम के लिए, नॉन नेचुरल यूज था. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया. अब देखो समझो. हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया. सेम ये बोल रहा था. हाँ हाँ, मैंने माना कि तुम यही बोल रहे थे. देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया. सो चूंकि तुम लोग ये सब पढ़कर आई हो तो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं फाइनल. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपने गिल्टी एक्ट किया इवन इफ यू डोंट हैव गिल्टी माइंड. बट अगर आप कोई ऐसी चीजें करते हो, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कवर होती है, देन यू वुड बी लाइबल फॉर गिल्टी एक्ट. ठीक है, मैं पहले एक बार रिपीट करती हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल्स इसको रिलेट करेंगे. अगर आप, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ कुछ एक्शंस आपको दिए हुए हैं. एग्जाम्पल, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. अगर आप लैंड को अननेचुरली यूज करते हो, ठीक है, तो उसको, उसमें अगर कोई भी गिल्टी एक्ट होता है तो उसके लिए वो पर्सन लाइबल होगा जिसने गिल्टी एक्ट, मतलब जिसके लैंड पर वो गिल्टी एक्ट हुआ, इवन इफ ही डिड नॉट हैव गिल्टी माइंड. तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि दो चीजें जरूरी, गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड. ओके, बट उसमें एक एक्सेप्शन आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जो ये बोलता है कि अगर आपके ही लैंड पर क्या हुआ है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड, और वो आपका ही लैंड है, तो भले ही आपका गिल्टी माइंड नहीं था बट गिल्टी एक्ट था, तो ऐसे केस में आप ही लाइबल रहोगे. अब बताओ यहां पर लैंड किसका है? राइलैंड का. बनाया क्या जा रहा है वहां पर? रिजर्वॉयर. अननेचुरल यूज है, ठीक है, बड़ी चीज है, अननेचुरल. नॉर्मली तो लैंड यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. ऐसे केस में अगर वॉटर ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या ये गिल्टी एक्ट हुआ? यस, एक्ट तो गिल्टी है, पर क्या राइलैंड का गिल्टी माइंड था? नहीं. तो भी क्या राइलैंड लाइबल होगा? यस. क्यों? क्योंकि लैंड किसका था? राइलैंड का था. पर मैम ऐसे तो राइलैंड के साथ गलत हो गया ना. अरे वो कॉम्पनसेशन ले सकता है बाद में कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाकर, वो उसका और कॉन्ट्रैक्टर का आपसी मामला है. लेकिन क्या फ्लेचर यहां पर राइलैंड को टॉट फीजर मान सकता है? यस. हु इज अ टॉट फीजर? डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है, जो टॉट कमिट करता है. यहां तक क्लियर है? तो यहां पर कॉन्सेप्ट हम किसका पढ़ रहे हैं? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, जिसमें कि लैंड का अगर नॉन नेचुरल यूज होता है, अननेचुरल यूज होता है, देन द ओनर ऑफ द लैंड इज बेसिकली कंसिडर्ड एज टॉट फीजर, क्योंकि गिल्टी एक्ट हुआ भले ही क्या नहीं है? गिल्टी माइंड. गिल्टी माइंड को हम क्या बोलते हैं? मेंस रिया. यहां तक क्लियर है? यस, समझ में आया सबको? एक बार वापस, एक बार, प्लीज, एक बार. सिंपल सी बात है, लैंड है, लैंड का जो ओनर है उसको देखना है गिल्टी एक्ट हुआ क्या? हाँ हुआ, ठीक है. अब एक और चीज देखनी है कि क्या लैंड पर, लैंड को अननेचुरली यूज किया क्या? रिजर्वॉयर बना है तो अननेचुरली यूज किया? यस. तो तीन चार चीजें, अननेचुरली यूज हुआ, ठीक है, तो और उस पर गिल्टी एक्ट हुआ. गिल्टी एक्ट क्या हुआ? रिजर्वॉयर बनाना इज नॉट गिल्टी एक्ट, पानी चला जाना इज गिल्टी एक्ट. ठीक है, किसमें पानी चला गया? कोल शाफ्ट में. तो पानी चला गया, गिल्टी एक्ट हो गया. रिजर्वर बनाया, अननेचुरल यूज हुआ, तो कौन पकड़ाएगा? ओनर ऑफ द लैंड. आ रही बात समझ में? यस. कौन पकड़ाएगा? ओनर ऑफ द लैंड. मैम पर ओनर ऑफ द लैंड का गिल्टी माइंड नहीं था, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो नॉर्मली तो एक्टस रियस और मेंस रिया साथ में होते हैं, तभी ही लाइबिलिटी आती है. बट अगर लैंड का ओनर है, उस पर गिल्टी एक्ट हो रहा है लैंड पर, और लैंड को अननेचुरली यूज किया जा रहा है, तो इवन इफ द ओनर डज नॉट हैव गिल्टी माइंड, देन टू फॉर दैट गिल्टी एक्ट ही वुड बी लाइबल. क्लियर है अभी सबको? यस, डन. जानवी, बढ़ेंगे आगे, ठीक है, चलो. बफर हो रहा है क्या?
चलो चलो रीड करेंगे हम इसको. यस देखो सो बेसिकली क्या बोलता है यहां पर, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्टी इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड. इट डज नॉट मीन दैट लॉ ऑफ टॉट्स द एक्ट मस्ट बी डन विद एन ईविल मोटिव, बट सिंपली मीन्स दैट माइंड मस्ट कॉन्कर इन द एक्ट मस्ट बी डन ईदर विद रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस. तो ऐसा नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ऐसे ईविल माइंड होना चाहिए, एकदम ऐसे शातिर दिमाग, एकदम बिल्कुल मारने पर दौड़ रहे हो आप. ठीक है, एकदम ईविल माइंड की जरूरत नहीं है, बट इवन इफ यू हैव रॉन्गफुल इंटेंशन देन दैट इज इनफ टू क्रिएट द क्रिमिनल लाइबिलिटी. ठीक है, सो यू नीड एक्टस रियस विच इज गिल्टी एक्ट एंड यू नीड मेंस रिया. मेंस रिया में अगर हम वो बोलते हैं गिल्टी माइंड, तो गिल्टी माइंड का मतलब नहीं बिल्कुल ईविल माइंड होना चाहिए. ठीक है, कि बिल्कुल आप मारना ही चाहते हो या दुनिया खत्म करना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका रॉन्गफुल इंटेंशन भी है ना थोड़ा सा, देन दैट इज इनफ टू क्रिएट क्रिमिनल लाइबिलिटी. यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या हो गया इसका? एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसमें हमने रायलिन वर्सेस फ्लेचर पढ़ा. रायलिन वर्सेस फ्लेचर में हमने क्या पढ़ा? गिल्टी एक्ट तो था, लेकिन क्या गिल्टी माइंड था? किसका गिल्टी माइंड नहीं था यहां पर? रायलैंड का, ओनर ऑफ द लैंड का गिल्टी माइंड नहीं था, पर गिल्टी एक्ट था. पर क्या फिर भी रायलैंड फंसा? यस. यहां तक क्लियर है सबको? यस. सो अब देखो हम यहां पर पहले रायलिन वर्सेस फ्लेचर पढ़ते हैं. A mill owner employed independent contractor who were apparently competent to construct a reservoir on his land to provide water for his mill. ठीक है, तो एक मिल ओनर ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जो कि क्या बनाने वाले थे? रिजर्वायर. किसके लिए? मिल के लिए. और लैंड किसका था इसमें? रायलैंड का. There were old disused mining shafts under the site of reservoir which the contractor failed to observe because they were filled within earth. ठीक है, तो underground थे, तो किसने ध्यान नहीं दिया? Contractor ने ध्यान नहीं दिया, बहुत time से unused पड़े हुए थे. The contractor therefore did not block them. तो contractor ने जो opening थी उसको बंद नहीं किया. When the water was filled in the reservoir, वो shafts में चला गया. और जो plaintiff है, plaintiff कौन है यहाँ पर? फ्लेचर. प्लेंटिफ कौन होता है? जो कि केस फाइल करता है. तो फ्लेचर के कोल माइंस में वो पूरा पानी चला गया. इट वॉज फाउंड एज अ फैक्ट दैट बी डिड नॉट नो ऑफ द शाफ्ट्स एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन दैट इज बी वॉज हेल्ड लाइबल. ठीक है, तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो रायलैंड था उसको नहीं पता था कि कोल शाफ्ट्स है. रायलैंड को नहीं पता था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को यह बात पता है कि कोल शाफ्ट्स है, पर पता किसको था? एक्चुअली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को. सो ऐसे केस में क्या बोला गया? वी थिंक दैट ट्रू रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पजेस ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड्स एंड कलेक्ट एंड कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ इफ इट एस्केप्स मस्ट कीप इट एट हिज पेरिल एंड इफ ही डज नॉट डू सो इज प्राइमा फेसी आंसरेबल फॉर ऑल द डैमेज विच इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एस्केप. तो एक पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी पर कोई चीज जो कि नेचुरल नहीं है वो करवा रहा है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें एनालाइज करना, सारी जांच करना, सारा इंस्पेक्शन करना और उसके बाद वो चीज करवाना. तो ये उसका काम है. आ रही बात समझ में? यस. तो अगर मेरा लैंड है, मैं उस पर रिजर्वायर बनवा रही हूं, तो भले मैंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, पर मेरा काम है कि अगर मैं उस लैंड पर कोई अननेचुरल चीज करवा रही हूं तो उसके आसपास का पूरा इंस्पेक्शन क्लियरेंस मैं ले लूं.